नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दी ग्राउंड नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ विक्रम इंदौरा। इस वक्त मैं राजस्थान के गांव बरवाणा में मौजूद हूं और जैसा कि आपको ज्ञात है कि पिछले समय हमने एक वीडियो दिखाई थी जो कि खाबड़ा धाम की थी। खाबड़ा धाम वहां पर चल रहा था तुलसी धाम के नाम से, लेकिन वहां पर सुकराईनाथ पहुंचे उसके बाद में अब जो है वही सेम का सेम अंधविश्वास है वो इस बरवाणा गाँव में संचालित किया जा रहा है। हमारे साथ कुछ युवा है, वो अपनी बात रखना चाहते हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। हाँ जी, आपके नाम है? महेश बनीवाल। कौन सा गांव है? कचवाणा गांव है। हे भाई जी, नजदीकी गांव हो, थाने केला गया था, लोगों की कतार कतार लागी रहे, कोई तो कह मारो कैंसर को रोग ठीक होगी, कोई कह मारी आ बीमारी खत्म होगी, थाने केला गया? बाउम जी रोड फिल्म बने रही है भाई, सेम चीज गाने लगा। अच्छा, मतलब सिस्टम बना ले बिठा ले, झाड़ों में आज तक कोई आदमी ठीक होता देखे को नहीं। अब शरीर है, शरीर ने जो चीज की जरूरत होगी वह चीज तो देनी पड़ेगी। बिल्कुल। अब भूख लागे तो रोटी में भूख खत्म होगी। जो बीमारी है या उसके, चलो आप इंग्लिश मेडिकल पर विश्वास ना करके आयुर्वेदिक दवाई ले लिया, आयुर्वेदिक दवाई थोड़ी नहीं फर्क, उसका जड़ी बूटी है कोई और चीज बने पुराना, और तो क्या बताऊं मेरा हिसाब। एक बात और बता दो, अपने देश में लगातार ये अंधविश्वास और ये पाखंडवाद बड़ा लग रही है, इनकी जड़ा बिल्कुल मजबूत हो ला रही है, इना के कारण मानो? जबकि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो देश में विश्व गुरु बनाने की बात करे, एक तरफ है अपनो देश इतनो पाखंडवाद अंधविश्वास में जाऊ ला रही है, के कारण मानो? थे कमी रहेगी? कमी अपना आपके अंदर ही है, लोगों देखा देख चलन ला रहे यानी बेड़ा चाल हो रही है। बेड़ा चाल ही हो रही है। पूजा पाठ चीज अच्छी है, करो पूजा करो, मान्यता रखो देव अंदर और जो आप आपका धर्म है वहां रखो, पर इसी चीज मैं तो कौन कौन जानो चाहिए और कोई चीज। अंधविश्वास आप करे कई बहुत देखे है, पहला नहीं लगता कि चूनो कर दिया आ कर दिया बा कर दिया, बेहू तो चलो थोड़ा कम हो बेन जगह चीज ज्यादा चलने लगी नेने आवे। तो यो क्या रुक्स का है जिका दर्शक थान देखा लग रही है, ये कुछ निवेदन करना चाहूंगा यो जिको अंधविश्वास पाखंडवाद आप क्यों कर रोकता? रोक के तो आप समझा गई कृष्ण, पढ़े लिखे आज के टाइम में तो इसे तो कोई बंदो कोई बच्चों कोई भी है कौन जो पढ़े कौन एजुकेट कौन, मन खुद ने सोचना चाहिए इन चीज के अंदर। झाड़ों में सही हुआ तो सारी चीज फिर क्या मैं हॉस्पिटल बना फिर झाड़ा ही खोल लिया घर आप आपका। बिलवा साहब, अगर पढ़े लिखे की बात करना तो पढ़े लिखे भाई आजकल अंगूठा छाप हो रहे बने, कागजी ज्ञान ज्यादा हुआ जबकि हकीकत में जो ग्राउंड पर है बाकी नॉलेज को नहीं हुआ, व्यावहारिक नॉलेज को नहीं हुआ, एक बार मुझे कुछ कहना। बढ़िया नौकरी लगे डे देखने ला रही हूँ मैं ISRS दिल्ली के अंदर, पहली बार एक माता से ही दिल्ली गई, मतलब RS साहब की सीट है बाबिन मातन बिठाने ला रही है, क्या मतलब है चीज का? विता बेटा एजुकेट बे बहुत दोरा लगा पढ़ाई करके बे इसी चीज करने ला रहे हैं तो फिर ठीक है। मेरे तो आई है युवा ने कहना चाहूंगा अंधविश्वास हूँ दूर रहो, कोई फायदों को नहीं है हमें, बढ़िया डॉक्टरों इलाज लियो और कोई जड़ी बूटी मिले कोई आयुर्वेदिक तो बातचीत करो, योग करो, स्पोर्ट्स एक्टिविटी रखो, कोई बीमारी होगी को नहीं। यानी एक तरफ समय का भी खर्चा हुआ है, पैसा का भी खर्चा हुआ है, लोग मैं देखने ला रही हूँ दूर दराज हुआ ला रही है और ज्यादातर लोग देखने ला रही हूँ भी गरीब तबके के लोग आवा, गरीब के नोचारों की हुआ दवाइयाँ पैसा को नहीं हुआ है, पर सरकार फिर भी बहुत देने ला रही है, चिरंजीवी योजना चल ला रही है और बहुत फोन मिल रहा है, जयपुर के अंदर मैं देखो 10 रुपया पर्ची के अंदर इलाज होने ला रही है। मैं तो आई को इतनी दूर आने ला रही हो, निवेदन है थारू इतनी दूर ना जाओ, इलाज सही हॉस्पिटल में करवाओ, डॉक्टर ही दूसरो भगवान हुआ है और कोई चीज़ की नहीं, पूजा पाठ करनी है घर कर लियो भाई, बात इतनी दूर आ गए कोई ना यार नहरो तो भगवान मानना को नहीं, घर ही विश्व मान जाएगा, यानी मन तंगा थे कटौती में गंगा। बिल्कुल आ बात है, गरगा ले गया एक गरगा आपका गलवान गया तो मेरे ही गलवा दिए सब बड़ा है।